तो गाइस अभी मैंने अपने लिए चश्मा सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि अब मेरे को भी चश्मा लगने वाला है। फिर भाई साहब आज से हो जाएगा चश्मे। क्या यार छी अपने आंखों की रेड़ मार दी इसने। तो भाई ये चश्मा बनवाया हमने अपने लिए। फटाफट से जा रहा हूँ आटा तो ले लिया अभी, बट जो मैं नोट ले गया था 500 रुपए का वो आंटी ने लिया ही नहीं। आंटी कह रही है नोट चलता नहीं बिकॉज इसमें रंग लगा हुआ है। आंटी ने कहा कि मैं लिख देती हूँ आप बाद में दे जाना, बट ये नोट नहीं चलेगा। बताओ नोट में क्या कमी है। ये रहा नोट, यहाँ पे रंग लगा हुआ है ये। बताओ अब जिस देश में लोग होली मनाते हैं उसी देश में रंग वाले नोट लेने के लिए मना कर दिया भाई साहब। ये नोट देखो आप, ये नोट सही नहीं है, चेक करो आप। वैसे भी शायद मुझे लग रहा है चुलबुल देख रहा है कि क्या जुली आया मैं। ये है आपका 15 किलो और आपके जो 500 रुपए देना वो चले ही नहीं। क्यों? ये इसमें रंग लगा हुआ है कह रहे हैं। बताओ जिस देश में लोग होली खेलते हैं उस देश में लोग रंग वाले नोट लेने के लिए मना कर रहे हैं। देखो हद है, क्या करें, नहीं चलेगा। हम नहीं लेते बस, आप चला लो कहीं भी, हम नहीं लेते। उन्होंने लिख लिया है, वो कह रहे हैं आप बाद में दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया जी नहाने के बाद मैंने मस्त बना दिया अपने लिए मैगी नाश्ते में। तो भाई फाइनली बहुत लंबे समय के बाद, बहुत ही लंबे टाइम के बाद भाई साहब इस टकले के बाल कटने वाले हैं। बिकॉज इस टकले के जो बाल हो गए ना भाई बहुत ही अजीब और गरीब हो गए हैं। चारों तरफ से बराबर हो गए हैं, पूरा बंदर पूरा गुरिल्ला लग रहा है ये भाई। चारों तरफ से बराबर हो गए, अजीब और गरीब शक्ल हो गए भाई। जल्दी से कटा दो भाई, पीछे मुड़ ये देखो भाई। और ये कह रहा है कि भाई इसके स्कूल में कल नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक। तो उसके लिए इसको अच्छे बाल चाहिए है ना, टोपी उतारनी पड़ती है ना। तो तेरे को कैसे बाल चाहिए भाई? देखो इतने छोटे बालों पे तो एक कट हो पाएगा, वो है बस कट। कौन सा कट? बस कट। कौन सा कट? हक कट। बस कट है। अच्छा बस कट, तो वो करना है। हक कट तो आप अपने करा के लाए थे। मन तो कर रहा कि भाई इसके बाल में दोबारा से काट दूं, भाई मेरे बाल आपने काटे ना, मैं आपकी ऐसी चीज काट दूंगा ना, देखना फिर कुछ नहीं हो पाएगा जिंदगी में। और भाई घर में एक और कलेश कर दिया ओम ने। कलेश ये कि भाई इसकी आंखें इतनी तगड़ी थी ना भाई, हमारे घर में हम तीनों में से, मतलब हम चारों में से सबसे बेस्ट आंखें ओम की थी। बिकॉज मेरे को पापा को मम्मी को सबको चश्मा लगा हुआ है, बट इसकी आंखें इतनी प्यारी, हम कहते थे भाई चलो हमारे खानदान में एक तो है जो बिना चश्मे के पैदा हुआ है भाई। लेकिन भाई साहब फोन में देख के भाई साहब इसने अपनी आंखों की रेड़ मार दी है। मतलब 100 मीटर दूर भी अगर कुछ लिखा हुआ है ना भाई, ये वो भी पढ़ लेता। 100 मीटर दूर ना कोई नहीं पढ़ पाएगा, किसी इंसान 100 मीटर दूर का लिखा हुआ पढ़ लेता है भाई? तू पढ़ लेता था भाई। अगर बहुत बड़ा लिखा तो पढ़ा जा सकता है, अगर छोटा छोटा लिखा 100 मीटर दूर तू पढ़ लेता था भाई। और ये ना करीब 10 दिन पहले मेरे पास आया कि भाई मेरी आंखों में बहुत जोर पड़ रहा है। क्लास की लास्ट सीट में बैठ के मैं स्मार्ट बोर्ड में अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या लिखे, क्या लिखा हुआ है। तो भाई मैंने कहा कि भाई तूने भी अपने आंखों की रेड मार दी है। तो भाई अभी आ गए हैं और अभी कर रहे हैं अपनी आंखों का चेकअप। चलो गाइस अभी मैंने अपने लिए चश्मा सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि अब मेरे को भी चश्मा लगने वाला है। और यहाँ पर इतने सारे चश्मे निकल गए थे भैया ने, तो अभी समेट लिए है वरना बहुत सारे थे। और मेरा जो फाइनल हुआ है भैया, कौन सा फाइनल हुआ था मेरा? ये वाला ना, तो ये वाला मेरे लिए फाइनल हुआ है। और कल इसके अंदर ना जो शीशे होते हैं वो भी लग के रेडी हो जाएगा, तो कल से मैं भी चश्मा पहनूंगा। तो चेक कराने गए तो कलेश हो गया, आंखें खराब हो चुकी है। अभी लिखा था भाई साहब को चश्मा बन चुका है, तो चश्मा लेकर आते हैं। चुलबुली इतनी छोटी सी पीली, हम जा रहे हैं बाल कटाने, अभी आते हैं आधे घंटे में। भाई एक टाइम ऐसा आएगा ना जब हम ऐसे चलेंगे भाई मुंह छुपा के। क्यों भाई, तूने कुछ गलत काम कर दिया क्या भाई? नहीं भाई, पॉपुलैरिटी इतनी होगी अपने लांडे की, सिस्टम इतना तगड़ा बैठेगा कि भाई हमारे घर से बाहर पैर रखते ही भीड़ हो जाएगी। अच्छा जाते तो यार स्कूटी में, बट मैंने स्कूटी की चाबी खो दी है, तो हमको अनफॉर्चुनेटली अपनी सुपर कार निकालनी पड़ रही। सुपर कार मस्टैंग जीटी। चले इधर इधर, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं, एक तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। आग बंद करेगा ठीक है? आग बंद कर, इधर आ इधर आ। हां 1 2 3 ठीक है? आग बंद कर, आग बंद कर, आग तो बंद कर पहले। मेरे पास दिवाली के बम, फूक बम ठीक है? आग बंद कर, बंद आग। हंस किया था ये भाई, बता के लाया ना भाई आसम भाई ड्रॉर के अंदर से। भाई ये पापा ने गाड़ी में कौन से गाने लगा रखे भाई? हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ। भाई कौन सा जख्म हो गया पापा को दिल पे? अच्छा पेन ड्राइव भाई, लेकिन पापा को कौन से जख्म हो रहे भाई दिल में? पता नहीं, चलो चले।
तो गाइस यहाँ पर ना भाई नीचे पार्किंग में गाड़ी लगा रहे हैं। तो भाई साहब सामने अंकल जी ने लगा दी है अपनी गाड़ी को मस्त पार्किंग में। ओके ऐसे कर दो फिर, ऐसे कर दो ऐसे। अब कटाएंगे वो उनके बाल, भाई साहब तगड़े वाले हैं। शुरुआत में हो रही मसाज तगड़ी वाली खोपड़े में। तो भाई ये है निंजा हथौड़ी में जो दुश्मन था हथौड़ी का हमारा के बाल भाई। भैया जी ने काट दिए मस्त बाल, मतलब अब नेक्स्ट टाइम तेरे बाल जो होंगे ना वो ऐसे कटेंगे देखो, जैसे भैया जी के बाल है ना ऐसे मस्त भूरे भूरे। हाँ भाई ठीक है, सस्पेंड होने को तैयार है ना। सामने है जर्मन शेफर्ड और इसकी हालत देखो आप, क्या हालत हो गई इसकी भाई साहब, सेम हालत उनकी भी ऐसी है। तो भाई ओम के बाल कटाने के बाद हम खा रहे मस्त छोले कुलचे यहाँ पे मस्त भाई साहब। ये है एंटीक इडली डोसा, लेकिन यहाँ पे सब मिलता है भाई, इडली भी डोसा भी छोले भी कुलचे भी चाउमीन भी मोमोज बर्गर भी सब मिलता है। और यहाँ पे अंदर आंटी बनाती है सब कुछ, आंटी यहाँ पे मस्त जॉब करती है और टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे सब बनाती है। आंटी सब बनाते हो ना आप? सब मसाले डोसा पनीर डोसा सब आप बनाते हो? अरे वाह। और आपके बच्चे? बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में। कहाँ से? अरे वाह। तो गाइस देखो आंटी कह रही कि आंटी को काम करते करते बहुत गर्म हो गया है। क्यों आंटी? आंटी का पसीना देखो गाइस, ये है हार्ड वर्क। आंटी आपको कितनी मिलती सैलरी यहाँ पे? 10,000 रुपए। और टाइमिंग क्या रहता है आपका? सुबह 9 से 6। अरे बाप रे बाप, 9 घंटे की ड्यूटी है ना। आंटी के मेहनत को एक लाइक बनता है। ये आ गया हमारा छोला कुलचा आंटी के हाथ का। ये देखो भाई मैंने आंटी को अपना चैनल जो है सब्सक्राइब करवा दिया, अब आंटी रोज देखेंगे। ठीक है आंटी, अब देखना आप रोज। भाई पूरे 2.5 कुलचे खा दिए मैंने और मेरा पूरा पेट पैक हो गया भाई, पूरा पेट फुल हो गया मेरा, भयंकर खतरनाक वाला भाई। अब घर में जाके कुछ नहीं खाऊंगा भाई मैं। अरे मैं तो फंस गया रे, इतने पतली सी जगह में डाल दी मैंने गाड़ी को। अरे भैया जी भैया जी। तो बस अभी लेते ओम का चश्मा और फिर भाई साहब आज से हो जाएगा चश्मिश। क्या यार छी अपने आंखों की रेड़ मार दी इसने। नंबर ज्यादा नहीं है बस, चश्मा लग रहा है बस। भैया जी कैसे हो, चश्मा रेडी? तो भाई ये चश्मा बनवाया हमने अपने लिए, ये मेरी पसंद है भाई। क्या क्या लिया तूने, भयंकर इतना बड़ा, अपने शक्ल से बड़ा ले लिया। अच्छा लग रहा है? अच्छा लेकिन भैया कितनी पावर है? अच्छी खासी आंखों की रेड़े मार दी। बताओ उसने भैया का उनका सेम है क्या चश्मा? आप कुछ टिप्स दो उसको ताकि इसकी आंखें बच जाए। एक तो रेगुलर चश्मा पहना सबसे बढ़िया, और जैसे कभी मॉर्निंग फोन ऑन का इस्तेमाल कम ही करना। जैसे आप कर रहे हो 2-3 घंटे के लिए तुमने सिस्टम यूज करना है, तो आधे घंटे में ना 5 मिनट का ब्रेक लेना, ब्रेक ले लो या कोई जैसे ड्रॉप आती है, कोई रिफ्रेशिंग ड्रॉप आती है, जैसे रामदेव वाली ड्रॉप आती है ना, वो दृष्टि वो करते हैं, दृष्टि आती है या कोई और जो लुब्रिकेंट होता है वो यूज करो। उससे क्या होता है सुबह कर लो, उठते समय या सोते समय कर लो, जैसे रात को 2-2 बूंद डाले मतलब उससे आँख रिफ्रेश रहती है, कूड़ा उड़ा। क्योंकि आजकल क्या होता है मेन समर के टाइम पे आपके यहाँ पे धूल बहुत जाती है, धूल जाती है और इचनेस बहुत होती है, कभी लाल हो जाना है कभी कुछ हो जाना है, इस चीज से बच के रहना। बाकी तो अभी बस अगर आंखें खराब हो गई तो चश्मा तो पहनना ही है। भैया का बिजनेस बढ़ना ही है कि भैया